चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरें। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के धनवार प्रखंड अंतर्गत भलुटांड पंचायत में हूं और इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान प्रधान श्री शंकर पासवान जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम लोग एक गोष्ठी में हैं और इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स के ग्रामीण यहाँ पर उपस्थित हैं। वृद्ध, युवा, गणमान्य, बुद्धिजीवी, हर वर्ग के ग्रामीणों की यहाँ पर उपस्थिति है और इस पंचायत के प्रधान जो है श्री शंकर पासवान जी, इनकी एक मांग है। क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। पासवान जी, आपका स्वागत है। श्रीमान, हमारे चैनल के माध्यम से जैसा कि मुझे अवगत हुआ है कि आपके पंचायत में एक समस्या है जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे देश भर के जो दर्शक हैं उन तक अपने पंचायत की इस समस्या को आप प्रमुखता से रखें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपका जो ये मांग है जी, उसे हम लोग संबंधित विभाग तक, जिला प्रशासन तक, राज्य सरकार तक पहुंचा सकें जी। मेरे पंचायत के ग्राम कारूडी में एक आम घर मजरूआ जमीन है जिसका खाता नंबर 50, प्लॉट नंबर 401, 409, रकबा कुल 32 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन है जो आम घर मजरूआ है। वहाँ पे ये खतियान में भी दर्ज है कि वहाँ पे सरकारी तालाब था, अड़वार था, जहाँ पर दोपहर में गांव की पशु वहाँ पे ठहरते थे, लेकिन कुछ बाहरी लोग आके वहाँ पर अतिक्रमण किए हुए हैं, अपना मकान निर्माण किए हुए हैं और धड़ल्ले से अपना बिजनेस कर रहे हैं। और मैंने इस विषय पर मांग किया था और ये वाद अंचल से लेकर उपायुक्त महोदय गिरिडीह के ये न्यायालय में भी ये मुद्दा चला है और वहाँ से आदेश हुआ है कि वो अतिक्रमण तत्काल मुक्त किया जाए, उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अतिक्रमण मुक्त तो दूर होना, वहाँ पर अभी भी हमको तो लगता है या अंचलाधिकारी के मिली भगत से अभी भी वहाँ पे कार्य हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके पंचायत के गांव विशेष में अतिक्रमण हुआ है जमीन का, बाहरी लोगों ने अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जा किया है, आपने एक पंचायत प्रमुख के नाते संबंधित लोगों को, जिला प्रशासन को आवेदन के माध्यम से अवगत भी करवाया, उधर से निर्देश हुआ कि जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, लेकिन वर्तमान में जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ है बल्कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से आप जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिला प्रशासन और सरकार से मांग करना चाहते हैं कि तत्काल उस काम को रोका जाए और उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए, क्योंकि वो गांव की सार्वजनिक संपत्ति है और उसे अतिक्रमण कर उस गांव के हवाले किया जाए, उस गांव की संपत्ति को गांव को सौंपा जाए। पूर्व मुखिया सह वर्तमान ग्राम प्रधान भलुटार पंचायत धनवार प्रखंड गिरिडीह जिला श्री शंकर पासवान जी के अनुसार इस पंचायत के एक गांव में एक जमीन है जिस पर अवैध कब्जा कुछ बाहरी लोगों की तरफ से हुआ है, वर्तमान में वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जबकि महोदय के अनुसार इन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को पूर्व में अवगत करवाया है इस समस्या से और उनसे आग्रह किया है कि शीघ्र जो है ये जो जमीन जिस पर अवैध कब्जा बाहरी लोगों ने किया है अतिक्रमण मुक्त किया जाए। ये जो संपत्ति है वो इस पंचायत की है, यहाँ के लोगों की है, जिस पर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा हुआ है और इसके विरुद्ध यहाँ के लोग गोलबंद हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर इस पंचायत के अलग अलग गांव और वार्ड्स के लोग इकट्ठे हैं और मुखिया जी के नेतृत्व में मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कि अविलंब इस पंचायत के उस विशेष जमीन पर जिसे आज के समय में कब्जे में किया हुआ है बाहरी लोगों ने, उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए, जल्द से जल्द। ये मांग है
यहाँ के प्रधान श्री शंकर पासवान जी का और ये मांग है इस पंचायत की हर जनता का। उम्मीद करते हैं कि भलुटाल पंचायत के सभी सम्मानित जनता के इस वाजिब मांग को गंभीरता के साथ विचार करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार अविलंब और शीघ्र बाहर से कब्जा करने वाले उन सभी अतिक्रमणकारियों को के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।